करना। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना करवा चौथ मेकअप लुक। मैं अपने करवा चौथ के लिए मेकअप कर रही थी तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर दूं ये मेकअप लुक। तो गेट रेडी विथ मी होने वाला है ये वीडियो, तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। और ये मेकअप आप सबको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा जरूर, और मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी। चलिए देखते हैं ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीविया का क्रीम ले रही हूँ और इसी से अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक होता है इसलिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप अच्छा स्मूथ रहे और कहीं से केकी या फिर फ्लेकीनेस ना दिखे मेरे फेस पे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्वीस ब्यूटी का प्राइमर, ये एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है, इससे मेरा फेस अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा और मेरा बेस भी स्मूथ दिखेगा। और उसके बाद मैंने इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन और ये लॉरियल पेरिस का ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन है। और ये इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा रनी है आप देख सकते हो, और ये ईजिली फेस पे ग्लाइड होता है, स्मूथली ब्लेंड हो जाता है जैसा इसका नाम है। ये आपके बेस को एक ड्यूई फिनिश देता है। अगर आप कुछ अपने बेस के लिए ड्यूई फिनिश वाला फाउंडेशन देख रहे हो तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है आपके बेस के लिए, प्रॉपर मैट फिनिशिंग नहीं देता। और इसी से मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट और अच्छे से एक फ्लफ़ी ब्रश लेके अपने बेस को सेट कर लिया। अब फिर मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लेके अपने आईब्रोज़ फिल करके उसमें जो स्पूली ब्रश होता है उससे अपने आईब्रोज़ को ब्रश आउट कर लिया, जिससे वो अच्छे से ब्लेंडेड लगे। और फिर मैंने आई शेडो पैलेट में से एक लाइट ब्राउन शेड लेके एक फ्लफ़ी ब्रश में अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है, जिससे मेरे क्रीज एरिया पे एक डेप्थ मिलेगी। फिर मैंने अप्लाई किया है काजल अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे, और इसी से मैं एक लाइनर भी ड्रॉ करूँगी अपने लैश लाइन अपर लैश लाइन पे, और बाद में एक क्यूटिप से ब्लेंड कर दूँगी, स्मज कर दूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्मोकी काइंड ऑफ आई मेकअप चाहिए जिससे मेरे आई मेकअप सॉफ्ट और स्मोकी लगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने क्यूटिप से अच्छे से अपने काजल को स्मज कर दिया, ब्लेंड कर दिया है, देख सकते हैं आप। आपको अपर लैश लाइन पे और लोअर लैश लाइन पे अपने काजल को अच्छे से स्मच कर देना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्रिग रेड कलर का शेड लिया है अपने आई शेडो पैलेट में से, और उसे अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करते हुए ब्लेंड करते जाऊँगी साथ के साथ अपने काजल के साथ, जिससे कि वो स्मोकी इफ़ेक्ट आए अब मेरी आई मेकअप में। और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दीजिए जब तक कि आपको आपका प्रॉपर शेड नहीं मिल जाता, अप्लाई करके ब्लेंड करते जाइए। फिर मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पे एक स्ट्रोक काजल का और लगाया था और इसे क्यूटिप से ब्लेंड कर दिया है, जिससे कि मेरे नीचे की आईज़ भी स्मोकी और सॉफ्ट लगे, मतलब कि देखने में। और सेम शेड ब्रिक रेड जो कि मैंने अपने क्रीज लाइन के लिए लिया था उसे फ्लफ़ी ब्रश में अप्लाई करते हुए अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, जिससे कि वो सॉफ्ट और स्मोकी दिखे। और अप्लाई करके अच्छे से साथ के साथ ब्लेंड भी करती जाऊँगी, और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छे से आपका आई मेकअप दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा अपने लोअर लैशेस और वो अपर लैशेस पे, अच्छे से जनरसली अप्लाई कर लूँगी मैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस वेयर करी हैं। अब मैं जो फॉल्स लैशेस की बैंड होती है उसे कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक थिन सा लाइन ड्रॉ करी है, वो भी बैंड के ऊपर, जिससे कि वो अच्छे से हाइड हो जाएँ और दिखे ना। उसके बाद फिर मैंने मस्कारा से दोनों लैशेस, मतलब कि फेक लैशेस और ओरिजिनल लैशेस को अच्छे से मर्ज कर दिया है अप्लाई करके मस्कारा को। उसके बाद ये वाला स्टेप आपको पहले करना होगा, मैं यहाँ पे भूल गई थी इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने का। उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपने फेस को डायमेंशन दिया है, अपने फेस को कट दूँगी। अगर आप चाहें तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। तो इससे अपने नोज़ को भी हल्का हल्का सा शार्प करूँगी, और
यहाँ पे मैंने एक डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसी से अपने फेस की ब्रॉन्जिंग करूँगी। नोज़ को शार्प करने के बाद मैंने अपने फोरहेड पे भी अप्लाई किया था ब्रॉन्जर, आई शेडो, और उसके बाद जॉ लाइन पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करा है। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर ब्रिक लिया है, किट लिया है, और उसमें से सारे शेड को मिक्स मैच करके मैंने यहाँ पे ब्लशर अप्लाई किया है। इसमें हल्का सा शीन है तो मैं चीक बोन्स पे हाइलाइटर नहीं अप्लाई करूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप फिक्सर और फ्लफी ब्रश में एक पम्प स्प्रे किया है, उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा हाइलाइटर और भी पॉप हो, और इसे क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़ और चिन एरिया, ब्राउ बोन्स और फोरहेड पे अप्लाई करके अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी सेम हाईलाइटिंग शेड से, जो कि एक गोल्डन कलर का हाईलाइटर है। उसके बाद ओवरऑल मेकअप को मैं मेकअप फिक्सर से सेट कर लूँगी, जो कि स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। ये एक ड्यूई फिनिश देता है, लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बनाए रखता है। उसके बाद अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो पहले मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया एक रेड कलर की लिप लाइनर से। उसके बाद मैं यहाँ पे दो शेड को मिक्स करके लगाऊंगी, एक रेड है एक मरून है, तो मैं शेड जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लेना वहाँ से। उस पहले मैंने रेड कलर अप्लाई किया जो कि कैमियो की थी, उसके बाद जो मरून शेड है उसको मैं सिर्फ आउटलाइनर की तरह यूज़ कर रही हूँ और अपने लिप्स से ही ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि एक ओम्ब्रे इफ़ेक्ट आए। और लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद बिंदी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक स्टोन वाली और एक सिंपल, तो पहले मैंने स्टोन वाली अप्लाई करी। पता नहीं मुझे स्टोन वाली बिंदी कम समझ में आती है, तो फिर मैंने सिंपल ही अप्लाई कर ली, सिंपल ही मुझे ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा जूड़ा बना के गजरा लगाया है, और अगर ये वाला जूड़ा आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना अगर ये जूड़ा देखना चाहते हो कि मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी बैंगल्स वगैरह पहन लिया और ये है मेरा ओवरऑल लुक। मेहंदी देख लीजिए, मेरी खुद की ही लगाई हुई है दोनों हाथों से, तो ये है। कैसा लगा आप सबको? और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।